हाँ जी वूली कोट है ना, पूरा वूली कोट है। क्या बात है भाई, हस्की देखो ये, जैसे जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट होता है। हाँ जी हाँ जी, इसको वूली कोट बोला जाता है। अच्छा, हस्की में वूली कोट होता है। और ये आपके कैनल को कितना टाइम हो गया? कैनल को हमारा हो गया है 10-12 साल। 10-12 साल से आप ब्रीडिंग कर रहे हो भाई, क्वालिटी देखो, और मेरे को कुछ नहीं कह रहा है, क्या बात है। फ्रेंड व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज मैं आ गया हूँ कोटद्वार के सबसे बड़े डॉग कैनल पे, जिसका नाम है भाई कंट्री साइड कैफे। ठीक है, ये है भाई देखो यहाँ की लोकेशन, अभी आपको मैं अंदर जाके दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये भाई यहाँ का लोगो लग रहा है कंट्री साइड कैफे का, और वहाँ पर वो कैफ़े है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा, वेलकम टू द कंट्री साइड कैफ़े। और अंदर एक बहुत बड़ा सा डॉग कैनल है, हम वहाँ पर जाने वाले हैं और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। भाई मेरे साथ आज मेरा दोस्त चंदन, तो भाई चलते हैं अंदर और भैया से मिलते हैं और देखते हैं भाई कितने सारे डॉग्स हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा डॉग कैनल है, तो भाई कहीं भी स्किप मत करना, लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज हम आए हैं सक्षम भैया के पास, जिनका मैंने अभी आपको कैफे दिखाया। हेलो भैया, कैसे हो आप? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया भैया। और भैया आपके कैनल का क्या नाम है? मेरा वुल्फ डॉग हिमालय कैनल का नाम है। ये देखो भाई भैया के डॉग्स क्या क्वालिटी है यार इनकी, एक बार आप चेक करो। ये देखो भाई, ये लॉन्ग कोट का जर्मन शेफर्ड है ना भैया, लॉन्ग कोट का, और इसका नाम कप्तान है। कप्तान नाम है भाई इसका, ये देखो एक बार मैं आपको, इंस्टाग्राम में भी ये बहुत फेमस है, इंस्टाग्राम पर बहुत फेमस है ये डॉग जो है, इसकी एक बार आप क्वालिटी चेक करो। भैया कितने साल का डॉग है ये? हो गया 2.5-3 साल का। 2.5-3 साल का डॉग है भाई ये, देखना एक बार क्या मस्त क्वालिटी है यार इस डॉग की, देख रहे हो। भैया आपके पास कितने डॉग्स है वैसे? 25-30 डॉग्स। हाँ जी, वूली कोट है ये ना, पूरा वूली कोट है। क्या बात है भाई, हस्की देखो ये, जैसे जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट होता है। हाँ जी हाँ जी, इसको वूली कोट बोला जाता है। अच्छा, हस्की में वूली कोट होता है। और ये हेयर्स देखो यार इसके कितने ज्यादा बड़े हैं। फीमेल है? मेल है? फीमेल है, इंडियन चैंपियन है, मंथन्स ब्रांडी इसका नाम है। अच्छा, मंथन्स ब्रांडी, ब्रांडी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, ये बड़ी खतरनाक सी लग रही है। क्या क्या एज है भैया इसकी? 5 साल प्लस। क्या बात है, ये तो बहुत खतरनाक सा लग रहा है, पास आते हुए भी डर लग रहा है इसे। और ये क्या है भैया इसकी, क्या है? ये यंग लग रहा है थोड़ा। हाँ, ये फीमेल ही है। अच्छा, फीमेल है ये, 2-2.5 साल की फीमेल है। इसका क्या नाम है भैया? इसका रोजी है। रोजी, ये भी लॉन्ग कोट में ही है? लॉन्ग कोट में है, मगर आजकल ये लगभग सारे डॉग्स रेडेड है ना, सबके बाल निकले। अच्छा अच्छा, इनके अभी कंडीशन, जब आप पूरी कंडीशन में देखोगे कप्तान को। हाँ जी, हेयर इसके। अच्छा, इसके अभी भाई हेयर जो हैं वो कटे हुए हैं भैया, जैसे कि बता रहे हैं अभी फुल हेयर नहीं है ये। क्या बात है यार, क्वालिटी देखो यार भैया। इनका टेम्परामेंट कैसा है? हाँ जी, काटता नहीं है भाई, ये देखो कितना ज्यादा मस्त है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। मैंने अभी इसको देखो पकड़ रखा है, और ये एकदम लॉन्ग कोट में है भाई, देख रहे हो बिल्कुल बड़ा। भैया कितने साल का थे ये? हो गया 2.5-3 साल का। 2.5-3 साल का भाई, मेरे से तो ये समझ नहीं रहा, और बहुत ज्यादा हैवी है, जैसे कि भाई ये देख पा रहे हो, इतना ज्यादा हैवी है कि मेरे को तो खींच के ले जाएगा भाई, सब डर लग रहा थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो भाई कितना ज्यादा हैवी बोन है इसकी, पर ये कुछ नहीं कह रहा सच में। मैं तो देखो ऐसे हाथ फेर रहा हूँ, जो कि मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ। भैया ने मेरे को बताया कि भाई कुछ नहीं कहेगा ये, और जैसे कि भाई ये कुछ कह भी नहीं रहा। तो भैया आपने इम्पोर्ट कराया था कैसे? ये नहीं, इम्पोर्ट नहीं है ये। अच्छा, BI डॉग है। क्या बात है यार, देख रहे हो क्वालिटी, देख रहे हो यार, ले आ, आ, ले भाई इसकी जो चाल है वो चेक करो आप एक बार, ले भाई साहब क्या मजेदार है यार। नाम क्या था भैया इसका? इसका कप्तान नाम है। कप्तान नाम है भाई इस डॉग का। ये देखो भैया, इसके पब्स अवेलेबल हो जाएंगे? अभी तो नहीं है, मगर ये है कि आने वाले 1-2 महीने में हो जाएंगे। और भाई क्वालिटी देखो, और मेरे को कुछ नहीं कह रहा है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था जब ये मैंने पहली बार देखा था, लेकिन इनका जो टेम्परामेंट है बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसका क्या नाम है? फ्रेडा। यार क्या बात है, देख रहे हो फ्रेडा, तो भैया मुझे भयंकर लग रही है यार। ये इंपोर्ट की डॉटर है। अच्छा, इंपोर्ट की डॉटर है, वो हमारी ब्रीडिंग की अपनी। अच्छा, क्या बात है यार, इंपोर्ट की डॉटर है, देख रहे हो। बस ये थोड़ा सा यार इसके पास में जा नहीं सकता ये, ये तो नहीं है, वो दूसरे डॉग को एग्रेशन दिखा रही है, वो तो दिखाना काम है डॉग का। सही बात, इसमें भी अगर हाथ वो करेंगे तो कुछ नहीं कहेगी। आप चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं भाई इनका जो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो खेलने के लिए करेगी आपके साथ। क्या बात है, तू कुछ भी नहीं कह रही, भैया ने सही कहा था भाई, मेरे को दूर से ही लग रहा था कि इनमें एग्रेशन है। एग्रेशन किसी डॉग में नहीं मिलेगा, ये बहुत ही अच्छे ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, और पूरा हमने सोशलाइज करा हुआ है इसे। हाँ जी,
और ये वैसे भी ये ब्लड लाइन की डॉटर है ना। हाँ, ये इम्पोर्ट की डॉटर है। क्या बात है, मजा। आपके कैनल को कितना टाइम हो गया? कैनल को हमारा हो गया है 10-12 साल। 10-12 साल से आप ब्रीडिंग कर रहे हो, तो जर्मन शेफर्ड और किन किन डॉग्स में आप करते हो ऐसे? जर्मन शेफर्ड और हस्की मेन ब्रीड्स हैं आपकी। बहुत बढ़िया, तो आपकी जो क्वालिटी होती है वो एक नंबर है ना सारे डॉग्स की? हाँ जी, एकदम सही। हाँ जी, एग्रेशन किसी डॉग में है नहीं। बहुत बढ़िया। तो भाई जैसे कि आपने यहाँ पे डॉग्स देखे, बिल्कुल उसी क्वालिटी में भैया आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और लोकेशन मैंने जैसे कि भैया आपको बताइए, भैया आपकी लोकेशन क्या थी? लोकेशन कोटद्वार डाल दीजिएगा, वोल्फ डोर हिमालयस। वोल्फ डोर हिमालयस, कंट्री साइड कैनल है भाई। और बाहर ही आपको भाई बोर्ड मिल जाएगा। और ये कौन सा आ गया, ये देखो भाई, ये हस्की की फीमेल। भैया इसका कोई नाम रखा है आपने? नाम इसका एस्टीला रखा हुआ है हमने। एस्टीला नाम रखा हुआ है भाई भैया ने। इसको कितने टाइम की हो गई? ये हो गई 2 महीने। ये भाई 2 महीने की हो चुकी है। और देखो कितनी ज़्यादा फुर्ती है भैया मेरे से तो ये कब दे आने वाली है। ये देखो भाई इसकी क्वालिटी क्या बात है यार, कितनी ज़्यादा मस्त है, देखना कितनी ज़्यादा प्लेफुल है भाई। छुटके चली गई। तो ये भैया इसकी मदर है? ये इसका फादर है। अच्छा, ये थाईलैंड से इंपोर्ट कराया? ये थाईलैंड से इंपोर्ट है भाई ये हस्की। क्या बात है, बुली कोट हस्की है। बुली कोट हस्की है, इसकी डॉटर है, हमने रिटेन करी है अपने लिए आगे फ्यूचर ब्रीडिंग के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या क्वालिटी है इनकी। तो भैया ये कितने साल का है ये जो है हस्की? 16-17 महीने का हो गया भाई साहब। देखना है आप इनकी क्वालिटी देखो। ये इसका जो है ये फादर है, और ये एकदम भाई हाथ से छूट के भाग गया, इसके पास चला गया। और जैसे भैया ने बताया, भैया कितने टाइम हो गया इसको? ये 16-17 महीने का है, वो भी इतना ज़्यादा हैवी। देख रहे हो भाई टेम्परामेंट तो भाई सबका अच्छा ही है। मैं पूरा आप देख रहे भाई, ये देखो इसका ये क्या बात है, कितना ज़्यादा प्लेफुल है। इसमें भी कोई एग्रेशन नहीं होगा, अब तो मेरे को यकीन हो गया, अब तो यही छूलूंगा मिले। हाँ हाँ जी हाँ जी, कुछ भी नहीं कह रहा भाई, देख रहे हो मैं इसको छू रहा हूँ एकदम, कुछ कह ही नहीं रहा है। लो भाई कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई ये, बस कितने प्यारे हैं यार। क्या बात है, मतलब भैया ने जो कहा था बिल्कुल वही सेम टू सेम बात है। उन्हें वुली कोट होता है, जैसे जर्मन शेफर्ड में लॉन्ग कोट होता है ना, ऐसे इनमें वुली कोट होता है। ये देखो यार इसकी क्वालिटी। भैया इसका पप्स अवेलेबल हो जाएगा? अभी तो नहीं है, फिर आने वाले टाइम पे हो जाएगा। अच्छा भैया आराम से। क्या बात है यार, मतलब एकदम कूल है बिल्कुल। और ऐसी जो वो है ना भाई इनकी क्वालिटी, मेरे को ऐसी कहीं भी देखने को नहीं मिली। मैं आज भैया के कैनल पर आया, और जब मैं आगे आऊँगा ना, भैया के पास और भी बहुत सारे डॉग्स हैं। बिल्कुल। कितने हैं भैया आपके पास? 20-25 डॉग्स हैं ना? 25-30 डॉग हैं टोटल। हस्की कितने हैं भैया आपके पास? हस्की हैं 8-10। 8-10 हस्की हैं, और भाई मतलब 20 मतलब 15 जर्मन शेफर्ड्स ही होंगे। बिल्कुल। क्या बात है। तो भाई आज हमने आपको दिखाया कि भैया के पास कैसे कैसे डॉग्स हैं, किस क्वालिटी में है, और एक नंबर डॉग्स हैं। ठीक है, कैनल की आपको लोकेशन भी पता लग गई। और बहुत जल्दी जो वीडियो आएगी ना अगली, उसमें मैं आपको सब कुछ कवर कर दूंगा, कितने डॉग्स हैं भाई। 20-25 डॉग्स मायने रखते हैं, और क्वालिटी रख रखी है भैया ने, है ना भैया? बिल्कुल भाई, एकदम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और आओ मैं भैया से मिलवाऊँ। भाई ये है सक्षम भैया, इन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। हाँ जी, दोनों सक्षम सक्षम। हाँ जी, ये भी एकदम कोइंसिडेंस है कि भैया का भी नाम सक्षम है और मेरा तो नाम भाई आप जानती हो है सक्षम। क्या बात है यार, मज़ा आ गया। तो भाई आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई कमेंट करो जिसको भी पपी चाहिए हो, और इन फ्यूचर आपको अवेलेबल सब हो जाएगा। और क्वालिटी भाई आपने देख ली कितनी ज़्यादा मस्त है। तो भाई मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्यार दिखाओ। बाय बाय।